प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। सो बच्चों, इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड थर्ड का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 9 हाउ मैनी टाइम्स का नेक्स्ट टॉपिक हाउ मैनी इन 23 डजन्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज ओपन योर बुक्स पेज नंबर 139। हाउ मैनी इन 23 डजन्स, तो 23 डजन्स में कितने होंगे? तो बच्चों, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो वन डजन है, डजन मीन्स जिसमें 12 क्या होती हैं ऑब्जेक्ट। एक डजन में कितनी थिंग्स होती हैं, कितनी ऑब्जेक्ट्स होती हैं? 12 ऑब्जेक्ट्स। तो देखो बच्चों ध्यान से, मैनी थिंग्स आर सोल्ड बाय द डजन्स, बहुत सारी चीज़ें डजन्स में बेची जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया है बैंगल्स, क्योंकि बैंगल्स की जो होती है वो 12 चूड़ियों की डब्बी मिलती है ना, तो एक दर्जन में कितनी होती है? 12। एंड बनानाज, और बनानाज केले भी डजन में मिलते हैं, आर ऑफन सोल्ड बाय द डजन, अक्सर डजन में बेची जाती हैं। वन डजन बनाना मीन्स एक डजन में कितने बनानाज होंगे? 12 बनानाज। तो 23 डजन बनाना कितने के बराबर होगा? 23 मल्टीप्लिकेशन 12, क्योंकि वन डजन किसके बराबर है? 12 के। तो 23 किसके बराबर होगा? 23 को 12 से। तो बच्चों देखो इन्होंने क्या कहा है, सो द इन्होंने 23 मल्टीप्लिकेशन 10, यानी कि जो 12 है 12 है उसको इन्होंने ब्रेक करके 10 ले लिया, क्योंकि 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 प्लस 2। तो पहले इन्होंने 23 को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो कहते आंसर क्या होगा? मोर देन 230, क्योंकि 10 से मल्टीप्लिकेशन करके कितना आता है? 230। तो यानी कि आंसर मोर देन हुआ। तो अब कह रही है हाउ टू फाइंड, तो फाइंड आउट करो कि 23 को 12 से कितनी मल्टीप्लिकेशन करके कितना आएगा। वी कैन डू इट इन द सेम वे, हम इसे सेम तरीके से भी कर सकती हैं। तो 23 को इन्होंने फिर से ब्रेक कर दिया, जैसे कि हमने कई पीछे लास्ट चैप्टर्स में किया था। 23 को हम क्या लिख सकते हैं? 20 प्लस 3, और 12 को क्या लिख सकते हैं? 10 प्लस 2। तो इन्होंने, भारती ने क्या किया, एक टेबल बना लिया। तो देखो बच्चों, इसमें हम लाइन कर सकते हैं, यहाँ 12 को लिख लिया, आप यहाँ पे 23 को भी लिख सकते हो और 12 को यहाँ पे भी लिख सकते हो। यानी कि 23 को इसने ब्रेक करके क्या लिखा? 20 और 3, और 12 को क्या लिखा? 10 और 2। तो पहले 20 को हम किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे? 10 से। तो 2 1 का 2, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? 0, चाहे आप इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। फिर हम 10 को किससे करेंगे? 3 से, यानी कि 3 मल्टीप्लिकेशन 30। अब क्या करेंगे हम? 2 को 20 से करेंगे, यानी कि एक हम रो से लेंगे, एक कॉलम से लेंगे। तो 2 को किससे करेंगे? 20 से। 2 को 20 से करके कितना आया? 40, क्योंकि 2 2 का 4, साथ में एक 0। अब 2 को किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे? 3 से। 2 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 से, तो 2 3 का 6। अब हम क्या करेंगे, इन सब को काउंट कर लेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है? 200, फिर 40, इनको ऐड किया, 0 की 0 0 और 4 4, क्योंकि किसी नंबर में अगर ऐड करते हैं तो सेम नंबर आता है, 240। और 3 और इधर 30 प्लस 6, तो यहाँ पे कितना हुआ? 36। फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 0 और 6 6 4 और 3 7 2 का 2। तो ये हमारा टोटल आंसर होगा, यानी कि 23 को मल्टीप्लिकेशन करके कितना आएगा? 276। अब आप इसे सिंपल मेथड से भी कर सकते हो, 3 2 का 6 2 2 का 4, तो यहाँ पे क्रॉस का निशान आता है, 3 1 का 3 2 1 का 2। तो देखो बच्चों, ये 6 और क्रॉस के में 6 आता है, 4 और 3 7, यहाँ पे कुछ नहीं है, 2 का 2। तो देखो सेम आंसर आ रहा है, तो हम इसे सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं, या नंबर्स को ब्रेक करके भी कर सकते। तो नेक्स्ट भारती रोड क्या कह रही है, तो देखो भारती ने कैसे लिखा, जैसे कि मैंने आपको पहले करके ही दिखा दिया, 23 को 20 और 3, और यहाँ पे 12 को क्या लिख लिया? 10 और 2। देखो पहले 20 को 10 से, 200, फिर 10 को 3 से, तो 3 मल्टीप्लिकेशन 10 30,
फिर 20 को 2 से, 2 का 440, 3 का 6, फिर इन्होंने सारे ऐड कर लिए 240, 36, तो 276। तो भारती ने इस तरह लिखा, तो वो क्या क्या कह रही है, वी विल ऐड द नंबर्स इन द बॉक्स टू गेट द आंसर, दैट इज करेक्ट। तो देखो ऐसे क्या आया, सो 23 डजन बनाना इज 276 बनाना। तो बच्चों आपको समझ आई, अब देखो नेक्स्ट सम, नाउ ट्राई डूइंग, कहती अब क्या करो 43 को 13 से। तो देखो बच्चों 43 को इन्होंने क्या लिख लिया, 40 and 3, और 13 को 10 और 3। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे 10 और यहाँ पे 3, वी राइट द नंबर्स इन द बॉक्स, ऐसे बॉक्स में लिख लिया, देखो बीच में लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे 40 और 3, फिर 40 और 10 को मल्टीप्लिकेशन किया, 4 1 का 4, साथ में 2 जीरोज आ गई, फिर 10 को 3 से करा, 3 multiplication 10 30, फिर 3 को 40 से करा, 40 multiplication 3, फिर ये वाले 3 को इससे किया, 3 3 का 9। अब सारे क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट पेज पे देखो बच्चों, एट द नंबर इन द बॉक्सिस 400 120 39, तो इन सबको ऐड कर दिया तो 559, तो ये इसका आंसर हुआ। तो आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्या है, प्रैक्टिस टाइम। तो बच्चों फर्स्ट गैस द आंसर, पहले आपने इनको ब्रेक करके नंबर्स को गैस करना है कि ये जो आंसर है ये मोर देन आएगा या लेस देन आएगा, देन चेक इट बाय कैलकुलेट, फिर आपने इस तरह इसको सॉल्व करके कैलकुलेट करना है कि जो हमने गैस करा था वो करेक्ट है या इनकरेक्ट। तो बच्चों फर्स्ट सम में आपको ये ब्लैक बोर्ड पे करके दिखाती हूँ। बच्चों प्रैक्टिस टाइम में सम क्या है, 42 को हमने मल्टीप्लिकेशन करना है 23 से, तो 42 को हम क्या कर सकते हैं ब्रेक करके 40 plus 2, और 23 को क्या ब्रेक करके लिख सकते हैं 20 plus 3। अब हम क्या बनाएंगे, इसका बॉक्स बनाएंगे। तो देखो बच्चों ऐसे बॉक्स बना लेंगे, ये हुआ हमारा बॉक्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 20 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 40 और यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो बच्चों देखो ध्यान से, मैं थोड़ा बॉक्स नीचे कर देती हूँ ऐसे, जा इसको रब कर सकती हूँ। तो हमने 40 और 2 लिख लिया 42 को। तो पहले हम 20 और 40 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 40 multiplication 20, तो 4 2 का 8 और साथ में 2 जीरोस, फिर 20 को 2 से करना है यानी कि 2 को 20 से, तो 2 2 का 4 साथ में 0, फिर ये वाले 3 को 40 से यानी कि 3 multiplication 40, तो 3 4 का 12 साथ में 1 0। अब ये 3 को 2 से करना है, 3 multiplication 2, 3 2 का 6। अब हम इनको ऐड करेंगे, फर्स्ट हमारा क्या है 800 120 40 और 6, तो 0 0 6, क्योंकि एनी नंबर एडेड तो सेम नंबर 6, 2 4 6 8 और 1 9, तो ये हुआ हमारा आंसर 966। ये थी ट्रू डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन। इसको हम सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, ये देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ। 3 2 का 6, पहले हम ये वाले 3 को 2 से करेंगे 3 2 का 6, फिर ये वाले 3 को 4 से, 4 3 4 का 12, तो 126। फिर हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है, 2, पहले 2 को यहाँ पे क्रॉस का निशान आएगा, 2 2 का 4 4 2 का, ये वाले 2 को फिर 4 से करेंगे, 2 4 का 8, अब 6 क्योंकि यहाँ पे क्रॉस है, 2 और 4 6 8 और 1 9, तो देखो हमारा क्या है आंसर सेम। तो ये है हमारा सिंपल तरीका, आगे यही आपको यूज होगा, पर ये हमने अब थर्ड स्टैंडर्ड में है तो ऐसे ब्रेक करके बॉक्स में ऐसे इजीली भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सम क्या है, 73 multiplication 11, तो 73 को हम क्या लिख सकते हैं 70 plus 3, और 11 को क्या लिख सकते हैं 10 plus 11, तो अब हम इसका क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे बच्चों। तो देखो ध्यान से, ये रहा हमारा बॉक्स, यहाँ पे 10 यहाँ पे 1, आप इधर भी ले सकते हो, यहाँ पे हमने 70 और यहाँ पे 3, पहले 70 को 10 से, 70 multiplication 10, तो 7 1 का 7, साथ में 2 0, फिर ये वाले 10 को 3 से, 3 multiplication 10 यानी कि 10 3 का 30,
फिर ये 1 को 70 से, तो 1 को 70 से करेंगे एनी नंबर मल्टीप्लिकेशन तो सेम नंबर आ जाता है। तो एम 1 को किसी से भी मल्टीप्लिकेशन करो सेम नंबर, और 1 को 3 से करेंगे 3 1 का 3, अब हम इनको ऐड कर लेंगे तो 700 70 30 और 3, तो 0 0 कितना हुआ 3, 7 और 3 10, 10 का क्या लगेगा बच्चों 0 और 1 यहाँ पे कैरी, 7 और 1 8, तो 803 आंसर आ गया। तो आप सिंपल भी देखो करके इसको मल्टीप्लिकेशन, ये देखो बच्चों 3 1 का 3 7 1 का 7, फिर यहाँ पे क्रॉस होता है हमेशा ये टू डिजिट नंबर में, 1 को फिर 3 से करेंगे 3 1 का 3 7 1 का 7, तो देखो बच्चों 3 का 3 7 और 3 10, फिर एक ऐड हो गया 7 और 1 8, तो ये सेम नंबर हुआ। नेक्स्ट थर्ड सम क्या है 51 मल्टीप्लिकेशन 13, तो बच्चों 51 को हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं 50 प्लस 1, और 13 को 10 प्लस 3, तो वैसे ही बॉक्स बनाना है बच्चों, बॉक्स बनाओ आप, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 50, यहाँ पे 1, तो पहले 10 को हम 50 से करेंगे 50 मल्टीप्लिकेशन 10, 5 1 का 5 और 00, अब ये 10 को 1 से करेंगे तो 10 मल्टीप्लिकेशन 1 10। आगे नेक्स्ट 3 को किससे करेंगे 50 से, तो हमें पता है 3 5 का क्या होता है 15, 3 5 का 15 साथ में 0, अब 3 को 1 से करेंगे 3 1 का 3, अब हम इनको ऐड करेंगे 500 150 10 3, तो देखो बच्चों 0 0 यहाँ पे कितना होगा 3, अब 5 और 1 और कुछ है नहीं यहाँ पे 0 है, 5 और 1 6 5 और 1 6, तो 663, अब हम इसको सिंपल मेथड से करेंगे, तो देखो बच्चों 3 1 का 3, फिर यही 3 को 5 से 5 3 का 15, और ये फिर 1 को 1 से किया 1, 5 को 1 से किया 5 1 का 1, अब इनको ऐड करेंगे 5 और 1 6 5 और 1 6, तो सेम आंसर। नेक्स्ट सम क्या है 54 मल्टीप्लिकेशन 12, तो बच्चों 54 को हम क्या लिख सकते हैं 50 प्लस 4, और 12 को क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 2, तो अब हम इसका बॉक्स बनाएंगे फिर इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ पे हमने 50 लिया, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 2, तो देखो बच्चों 50 मल्टीप्लिकेशन 10, 5 1 का 5 और 00, फिर इसी 10 को हमने 4 से किया तो 4 मल्टीप्लिकेशन 10, 4 1 का 4 साथ में 1 0 40, अब ये 2 को 50 से करेंगे 2 मल्टीप्लिकेशन 50, 5 2 का कितना होता है 10, तो साथ में 1 0 50 की, तो 100 हो गया, अब 2 को 4 से करेंगे तो 2 4 का 8, अब हम इनको नंबर्स को ऐड करेंगे 500 100 48, तो देखो बच्चों जीरोस वाले ऐड करने इजी होते हैं, तो 0 0 8 और यहाँ पे 0 0 4 5 और 1 6, तो 648, अब हम इसको सिंपल मेथड से करेंगे, तो देखो बच्चों 2 4 का 8 और 2 5 का 10, अब इस 1 को इनसे करेंगे 1 को 4 1 का 4, 5 1 का 5, तो देखो 8 0 और 4 4 5 और 1 6, तो सेम आंसर 648। नेक्स्ट सम क्या है 25 मल्टीप्लिकेशन 30, तो 25 को हम क्या लिखेंगे 20 प्लस 5, और 36 को 30 प्लस 6, अब हम इसके बाद क्या बनाएंगे बॉक्स बनाएंगे, तो देखो बच्चों ध्यान से, अब हमने ये बॉक्स बनाया, यहाँ पे हम 20 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 6, तो 30 को पहले 20 से करेंगे तो 3 2 का क्या होता है 6, साथ में 2 0, फिर 30 को हम किससे करेंगे 5 से, तो 3 5 का 15, तो 150, अब 6 को किससे करेंगे 20 से, तो 6 2 का 12 साथ में 1 0,
फिर सिक्स को किसके साथ करेंगे, फाइव के साथ, सिक्स फाइव का 30। अब हम इनको ऐड करेंगे 600, 120, 150 और 30। तो देखो बच्चों, 0, 0, 0, 0 और 2, 2, 5, 7, 7 और 3, 10। 10 का क्या लगेगा बच्चों, वंस वाला 0 और यहाँ पे 1 कैरी, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, तो 900 आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हम बिग नंबर क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे और 25 को नीचे। तो 6 5 का कितना होता है 30, 5 6 का या 6 5 का, 5 6 का 30, तो 30 का क्या लगेगा 0, ध्यान से देखना, और 3 यहाँ पे कैरी आएगा। अब 5 3 का कितना होता है 15, 15 में 3 ऐड किए 180, यहाँ पे क्रॉस का निशान। अब हम 2 के साथ करेंगे, 6 2 का 12, 12 का क्या लगेगा 2, यहाँ पे 1 कैरी, फिर 2 को 3 से करेंगे, 3 2 का 6, 6 और 1 7, तो देखो बच्चों 0, 8 और 2, 10 होता है, 10 का 0, 1 यहाँ पे कैरी, 1, 1, 2, 7 और 2, 9, तो देखो बच्चों 900, ये सेम आंसर आया है। बच्चों क्या है, 12 मल्टीप्लिकेशन 14, तो 12 को हम क्या लिखेंगे 10 प्लस 2, और 14 को क्या लिखेंगे 10 प्लस 4। अब हम क्या बनाएंगे, इसका बॉक्स बनाएंगे। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारा 10 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 4, तो पहले 10 को 10 के साथ करेंगे। तो देखो बच्चों 10 10 का कितना होता है 100। अब 10 को 4 से करेंगे, 4 मल्टीप्लिकेशन 10, 4 10 4 का कितना होता है 14, या 4 का टेबल 10 तक काउंट कर सकते हैं। अब 2 को 10 से, 10 2 का या 2 10 का 20, फिर ये वाले 2 को 4 से, तो 2 4 का 8। अब हम इन नंबर्स को क्या करेंगे ऐड, 100 20 40 और 8, तो 0 0 8 हुआ, 4 और 2 6 और 1 1 ये 1, तो अब हम सिंपल मेथड से करेंगे, ये हमारा आंसर हुआ 168। अब हम बिग नंबर ऊपर, ये 14 को 12 से, तो 2 4 का बच्चों क्या होता है 8, फिर ये 2 को 1 से किया, 2 1 का 2, यहाँ पे क्रॉस का निशान, 1 को 4 से किया 4, 1 को 1 से किया 1, तो 8 4 और 2 6 168। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेशन पैटर्न्स। तो बच्चों आगे क्या है नेक्स्ट, हमारा 9 का टेबल है, इसमें एक पैटर्न है जो आपको बाद में पता लगेगा। तो पहले हम टेबल देखते हैं, 9 1 का 9, 9 2 का 18, 9 3 का 27, 9 4 का 36, 9 5 का 45, आगे क्या होता है बच्चों 9 6 का 54, 9 7 का 63, 9 8 का 72, तो देखो बच्चों ये यहाँ 8 तक है। तो देखो बच्चों यहाँ 9 2 का 18 है, हमारे पास क्या है 18 टू डिजिट्स नंबर है, 1 और 8। जब हम इनके डिजिट्स को ऐड करते हैं, 1 प्लस 8 कितना आता है हमारा 9। अब सेकंड में क्या है 9 3 का 27, 2 और 7 को भी ऐड करते हैं तो 9 आता है। आगे देखो 9 4 का 36, 3 और 6 को ऐड करते हैं तब भी 9 आता है, 9 5 का 45, तो 4 और 5 को ऐड करते हैं तो 9, जैसे 9 का टेबल आगे आगे बढ़ रहा है, पर इनके जो डिजिट्स का सम है वो भी कितना आ रहा है 9 9, और टेबल भी कितना है 9। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 9 6 का 54, तो यहाँ पे हम 5 डिजिट भरेंगे और यहाँ पे 4, तो 5 और 4 भी कितने होते हैं बच्चों 9। आगे क्या है 9 7 का 63, तो यहाँ पे 6 नंबर और यहाँ पे 3, 6 और 3 भी कितने होते हैं 9। आगे नेक्स्ट क्या है 9 और 9 8 का 72, तो 7 और 2 भी कितना होता है 9। तो देखो बच्चों ये देखो यहाँ पे काउंटिंग फॉरवर्ड जा रही है 1 से लेके 7 नंबर तक, और यहाँ पे बैकवर्ड काउंटिंग जा रही है 8 7 6 5 4, यहाँ पे कम कम हो रहे हैं, पर इन डिजिट्स का सम क्या है 9 है। तो ये पैटर्न हुआ जो हमारा 9 का टेबल है। आगे नेक्स्ट क्या है, डिड यू सी द पैटर्न इन द 9 टाइम टेबल्स, क्या तुम देखते हो 9s के टेबल में पैटर्न, यस आई कैन सी द पैटर्न इन द 9 टाइम्स टेबल्स, कि हमने 9 के टेबल्स में पैटर्न देखे, व्हाट नंबर्स आर एडिंग अप टू 9,
और इनको ऐड करने पर ये व्हाट नंबर, जो नंबर्स ये आए हैं हमारे टेबल्स में, इनको ऐड करके भी क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। हाँ, आगे क्या होता है, 9 का 81, तो 8 और 1 को अगर ऐड करते हैं तो वो भी कितना होता है, 9, और 9 10 का कितना होता है, 90। तो देखो 9090 या 9 प्लस 0 इज इक्वल टू 9, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो सेम नंबर आ जाता है, यानी कि जो 9 का टेबल है वो क्या है, 9 के टेबल्स में जो उसके आंसर आते हैं, 91 का 9, 92 का 18, 93 का 27, तो जो इनके डिजिट्स हैं उनका सम भी क्या आ रहा है, 9। तो ये एक मल्टीप्लिकेशन पैटर्न हुआ 9 के टेबल पर। तो बच्चों आगे क्या है, डिड यू सी द पैटर्न इन द 9 times table? तो बच्चों क्या तुम देखते हो 9 टाइम्स टेबल्स में पैटर्न को? हाँ, हम लिखेंगे यस आई कैन सी द पैटर्न इन द 9 टाइम्स टेबल, व्हाट नंबर्स एडिंग अप टू 9। तो आपने क्या क्या नंबर देखे, तो हम नंबर बताएंगे 1, 8, 9, 2, 7, 3, 6, 4, 5। तो ये रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि देखो पहले 1 और 8 था, फिर 8 और 1 था, 2 और 7, 7 और 2। चाहे हम 2 पहले लें चाहे 7 बाद में लें, पर सम क्या आएगा, 9। तो ये डिजिट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो बच्चों आपको ये पैटर्न समझ आया। नेक्स्ट पेज नंबर 142, कंप्लीट द ग्रिड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर्स। तो बच्चों हमने कंप्लीट करना है इस ग्रिड को नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन करके, जैसे कि हमने अभी लास्ट सम में किया था। जैसे हम नंबर्स को क्या करते थे, ब्रेक करते, जैसे 42 को 40 प्लस 2, और हमने 12 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना था तो 10 प्लस 2, तो हम ऐसे बॉक्स बना लेते थे, एक तरफ 10 और 2 और यहाँ पे 40 और 2। तो हम इसमें भी ऐसे ही आपको मल्टीप्लिकेशन करके दिखाएंगे। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ 1 से लेके 10 तक नंबर है, ये देखो 1 से लेके 10 तक। तो बच्चों आगे क्या है, इन्होंने हमें 3 तक दे रखा है। तो देखो बच्चों आगे हम क्या करेंगे, ये देखो 1 को मल्टीप्लिकेशन, ये देखो यहाँ पे जो क्रॉस का निशान है ये मल्टीप्लिकेशन का निशान, तो 1 मल्टीप्लिकेशन 1, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लिकेशन किया 2, फिर 1 को 3 से मल्टीप्लिकेशन किया 3, फिर 1 को 4 से मल्टीप्लिकेशन किया 4, तो यहाँ पे कितना आएगा 4, फिर यही 1 को 5 से करेंगे 5, फिर 1 को 6 से करेंगे। एक तरफ रोज है और एक तरफ कॉलम है, ये हमारे स्टैंड, ये क्या होते हैं कॉलम्स, और रोज कहते होती हैं स्लीपिंग लाइन की तरह। तो 1 को फिर हम किसके साथ करेंगे, 6 के साथ, 6 आ गया, 1 को 7 के साथ किया 7, 1 को 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन की 8, 1 को 9 से की 9, 1 को 10 से किया, तो यहाँ पे 10। तो आगे देखो बच्चों ये हमारा रिपीट हो गया। अब ये देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आगे क्या है, ये देखो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है, 2, 2 को 2 से किया 4, फिर 2 को 3 से किया 6, 2 को 4 से किया 8, 2 को 5 से किया 10, 2 को 6 से किया 12, 2 को 7 से किया 14, 2 को 8 से 16, 2 को 9 से किया 18, और 2 को 10 से किया 20। एक हमने कॉलम में से लेना है और रो को मल्टीप्लिकेशन करते जाना है। तो देखो बच्चों ये हमारा 2 का टेबल तैयार हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, 3 का, फिर हम 3 को 1 से किया, देखो ये 3 और ये कॉलम का, 3 1 का 3, 3 2 का 6, 3 3 का 9, 3 4 का 12, 3 5 का 15, 3 6 का 18, 3 7 का 21, 3 8 का 24, 3 9 का 27, 3 10 का 30। तो ये हुआ हमारा 3 का टेबल। आगे हम क्या करेंगे, देखो बच्चों 4 1 का 4, 4 2 का 8, 4 3 का 12, 4 4 का 16, 4 5 का 20, 4 6 का 24, 4 7 का 28, 4 8 का 32, 4 9 का 36, 4 10 का 40। तो ये हमारा 4 का टेबल। अब नेक्स्ट 5 नंबर, 5 को मल्टीप्लिकेशन 1 से, तो 5, 5 2 का 10, 5 3 का 15, 5 4 का 20, 25, 30। ये बच्चों मैं टेबल आपको समझ आ गया होगा, 5 7 का 35, 5 8 का 40, 5 9 का 45, फिर 5 10 का 50, 6 1 का 6, 6 2 का 12, 6 3 का 18, 6 4 का 24, 6 5 का 30, 6 6 का 36, 6 7 का
42, 68 का 48, 69 का 54, 610 का 60, ये हमारा 6 का टेबल हुआ। आगे नेक्स्ट क्या है, 7, 71 का 7, 72 का 14, 73 का 21, 74 का 28, 75 का 35, 76 का 42, 77 का 49, 78 का 56, 79 का 63, 710 का 70, ये हुआ हमारा 7 का टेबल। अब नेक्स्ट क्या है, 8, 81 का 8, 82 का 16, 83 का 24, 84 का 32, 85 का 40, 86 का 48, 87 का 56, 88 का 64, 89 का 72, 810 का 80, तो ये 8 का टेबल। आगे नेक्स्ट, 91 का 9, 92 का 18, 93 का 27, 94 का 36, 95 का 45, 96 का 54, 97 का 63, 98 का 72, 99 का 81, 910 का 90, अब 10 का 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो ये हुआ हमारा बॉक्स ग्रे कंप्लीट। तो बच्चों अब इसमें एक और ध्यान से देखो, ये हमें कुछ डॉट करके दिखा रखा है, 3, 6, 9, और इसमें यहाँ पे 4, 6, 8। तो बचपन में आपने एरोप्लेन गेम खेली होगी, स्टेप्यू, इसको जहाज वाली स्टेप्यू कहते हैं, ऐसे ही बना होता है। ये देखो, ये ध्यान से इस नंबर से शुरू होता है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, फिर ऐसे बाहर जाते हैं, तो इसको जहाज स्टेप्यू बोलते हैं, एरोप्लेन स्टेप्यू। तो अब हम इसमें, ये है हमारा कॉलम, इसमें 3, 6 और 9 को ऐड करेंगे, 6 और 3, 9, 9, 9, 18, तो हमने इनको ऐसे कॉलम टाइप ऐड किया, यानी कि टॉप से बॉटम तक, तो हमारा 18 आंसर आया। अगर हम रो से करते हैं, स्लीपिंग लाइन से करते हैं, हॉरिजेंटल लाइन से करते हैं, 4, 6, 8, तो 6 और 4, 10, 10 और 8, 18, यानी कि अगर हम लेफ्ट टू राइट करते हैं, लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम, तो हमारा आंसर द टोटल इज द सेम, तो हमारा आंसर क्या आता है, सेम। लुक फॉर अदर द सर्च क्रॉसिस, तो आप ऐसे और सर्च करो क्रॉसिस को, एंड कॉपी देन इन योर नोटबुक। तो देखो बच्चों, अब मैं आपको बुक में ही करके दिखाती हूँ इनको, क्रॉस को हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट हमें करके दिखा रखा है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें हम ये भी ले सकते हैं, 16, 18, 20, तो ये हम सबसे लास्ट वाला ले लेते हैं, ये हमने लिया टॉप टू बॉटम, और यहाँ पे क्या लेंगे, ये लेफ्ट टू राइट। तो देखो बच्चों, 16 + 18 + 20, तो ये हुआ हमारा टॉप टू बॉटम। अब ये 9, 18, 27, 9, 18, 27, तो अब इनको ऐड करके देखते हैं, ये हुआ हमारा 20 नंबर, 18, 16, तो 0 का 0 ही रहता है, 8 और 6, 14 होता है, 14 का क्या लगेगा, 4, 1 यहाँ पे कैरी, 2 और 1, 3, 3 और 1, 4, 4 और 1, 5, तो 54 आया। अब हम करेंगे 9 को, 18 को, 27 को, तो देखो बच्चों ध्यान से, ये है हमारा 27 नंबर, ये 18 और ये 9, 7 और 8, 15 होता है, 15 और 9, 24, तो 24 का क्या लगेगा, 1s वाला, तो 4 यहाँ पे 2 कैरी, 2, 2 का 4, 4 और 1, 5, तो 54। अगर हम टॉप टू बॉटम करते हैं तब भी 54 आ रहा है, अगर हम लेफ्ट टू राइट करते हैं तब भी 54 आ रहा है। तो हमने एक ऐसा क्रॉस देखा जिसमें ये जो हमें दे रखा है क्रॉस, ये कंप्लीट हुआ, इनका आंसर जो टोटल है वो सेम आता है। तो आप कोई भी और क्रॉस कर सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो 7, 40, 21, और यहाँ पे 12, 14, 16, और यहाँ पे भी ले सकते हो लास्ट नंबर्स में 64, 72, ये 63, 72, 81, तो आप ऐसे कई क्रॉस ट्राई कर सकते हो। तो बच्चों मैंने आपको एक करके दिखाया, बाकी आप प्रैक्टिस करना। अब नेक्स्ट पेज नंबर 143, मार्क द नंबर 1 to 10 इन द सेम ग्रिड इन वन कलर। तो देखो बच्चों, इस ग्रिड में 1 से लेके 10 तक ये हमारी 2s रो है, इनको हम कोई भी कलर करो, तो आप रेड, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, एनी कलर कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्या है, मार्क द नंबर 12 to 20
इन अनदर क्रॉड। अब देखो 12 से लेकर 20 तक, ये रहा हमारा 12 से लेकर 20 तक, इसमें कोई और कलर करोगे आप इसमें नेक्स्ट अलग कलर कर सकते हो। सिमिलरली इसी प्रकार मार्क 21 टू 30 इन ए थर्ड कलर, 21 से लेकर 30 में ये रहा इसके नीचे, तो ऐसे कलर कर सकते हो। तो बच्चों इसमें भी नेक्स्ट कलर करना, तो ये आपका कैसे बनेगा ये देखो, अगर आप ये वाली वन लाइन को करते हो, इसमें आपने येलो किया, इसमें रेड और इसमें ब्लू, तो ये कुछ ऐसा पैटर्न बन जाएगा ये, क्योंकि लाइन बड़ी होगी फिर छोटी फिर छोटी, ये आपका ऐसे कलर बनेगा, क्योंकि 1 to 10 क्या होगी लाइन्स बड़ी होगी, और यहाँ 12 से 20 तक कलर होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक 21 से थर्ड कलर होगा। अब नेक्स्ट क्या है, डू यू सी एनी कलर पैटर्न, क्या आप और भी कोई कलर पैटर्न देखना सकते हो। तो देखो बच्चों इन्होंने जैसे ये पैरट दिखा रखा है, इसमें रेड और ग्रीन कलर है, तो आप कोई भी कलर कर सकते हो पैटर्न का। फिल दिस स्पेस विद योर फेवरेट मल्टीप्लिकेशन टेबल, तो बच्चों 2 से 10 तक आपका जो भी फेवरेट टेबल है वहाँ आप इसको लिख सकते हो इस बॉक्स में। तो बच्चों कई बच्चे कहेंगे हमें 2 का टेबल ईजी लगता है, कोई 3 का, कोई 4 का, कोई 5 का, कोई 10 का भी कह सकता है, तो आप 10 का भी लिख सकते हो यहाँ पे, 10-1 का 10, 10-2 का 20, तो ये बच्चों को ज़्यादा इजी लगता है। कई जनों को बच्चों को 9 का टेबल भी इजी लगेगा, तो 10-4 का 40, 10-5 का 50, तो यहाँ पे 10-6 का यहाँ से, तो ये बॉक्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 10-6 का 60, 10-7 का 70, 10-8 का 80, 10-9 का 90, 10-10 का 100। तो बच्चों ये हुआ हमारा टेबल ऑफ 10, तो आप अपने मर्जी से भी कोई भी टेबल लिख सकते हो जो आपको इजीली आता हो। तो बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, आपको समझ आ गया होगा, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो बच्चों गुड बाय, टेक केयर।